अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू क्लास 10th इस्लामिक स्टडी। आई एम योर टीचर हाफिज़ मोहम्मद आज़म फ्रॉम मुस्लिम स्कूल्स शेखपुरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट विच इज़ फ्रॉम आयत नंबर 36 to 40 विद ट्रांसलेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशन दोज़ हू रिलेटेड टू our lesson, and I hope you will remember and understand it well. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana nahi hai li mu'minin kisi mu'min mard ke liye wala mu'minatin aur na mu'min aurat ke liye iza jab kazallahu faisla kar de Allah taala wa rasuluhu uske rasool amran kisi mamle mein वमा गाना और नहीं है जायज़ ले मोमिन किसी मोमिन मर्द के लिए वला मोमिनतिन और ना किसी मोमिन औरत के लिए इज़ा जब कज़ल्लाहु फ़ैसला कर दें अल्लाह ताला और उसके रसूल इन यकूना ये कि हो लहुम उनके लिए अलखियरतु कोई इख्तियार मिन अम्रिहिम उनके मामले से, यानी अल्लाह और उसके रसूल जब कोई फ़ैसला कर दें तो मुसलमानों को उसमें किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए, तो उसमें कोई अपना इख्तियार ना समझें। और जो शख्स भी इस फैसले में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो सीधे रास्ते से गुमराह हो जाएगा। ये हुक्म एक्चुअली तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फ़ैसलों को बिला चूँ व चुरा की ये तस्लीम करें और उन्हें वाजिब तामील समझें। मामैं यासिल्लाह और जो नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला की व रसूलहू और उसके रसूल की फ़कत ज़ल्ला बस वो गुमराह हो जाएगा, ज़लालम मुबीना वाज गुमराह होना। जो अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों की पासदारी नहीं करेगा वो सीधे रास्ते से गुमराह हो जाएगा। वाइज़ और जब तकुलु तुमने कहा लिल्लज़ी उस शख्स से अनअम अल्लाहु अलैहि जिस पर अल्लाह ने एहसान किया व अनअमत अलैहि और तुमने भी एहसान किया अमसिक तो रोक कर रख अली का अपने पास ज़ौजा का अपनी बीवी को। यहाँ पर हज़रत ज़ैद की बात अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई है कि हज़रत ज़ैद के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनको कहा कि आप अपनी बीवी को रोक कर रखें, उसको तलाक ना दें। अगर मुशरक ने मक्का को पता चल गया तो वो प्रोपोगंडा करेंगे, साजिशें करेंगे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ के देखें अभी इन्होंने निकाह किया था तो अब इन्होंने तलाक भी दे दी है, तो आप अपनी बीवी को अपने पास रोक कर रखें। अल्लाह के रसूल आपने भी उसके उनके ऊपर एहसान किया, आपने उनको अपना बेटा बनाया, अल्लाह ने भी एहसान किया कि उनको आपका उम्मती बनाया। तो जब तुमने कहा, जब आप कहते थे लिल्लज़ी उस शख्स से अनअम अल्लाह अलैहि जिस पर अल्लाह ने एहसान किया वअनअमत अलैहि और तुमने भी एहसान किया अमसिक तो रोक कर रख अली का अपने पास ज़ौजा का अपनी बीवी को वत्तकिल्लाह और अल्लाह से डरो वतुख्फी और तुम छुपाते थे फ़ी नफसी का अपने दिल में माँ वो बात अल्लाह मुबदी ही जिसको अल्लाह ताला ने क्या कर दिया ज़ाहिर कर दिया। अल्लाह के रसूल इस बात को छुपा रहे थे लेकिन अल्लाह ने क्या कर दिया ज़ाहिर कर दिया। वल्लाह और अल्लाह ताला अहक्कू सीधी सीधी सच्ची बात कहते हैं, वल्लाह और अल्लाह ताला अहक्कू ज़्यादा हक रखते हैं, वल्लाह और अल्लाह ताला अहक्कू ज़्यादा हक रखते हैं इन तख्शाहू के उससे डरा जाए। अल्लाह के रसूल अपने बात दिल में ये बात छुपा रहे थे कि मुशरिकीन मक्का को पता ना चल जाए, वतक्शन ना सिर्फ लोगों से डर रहे थे कि लोग प्रोपेगंडा ना करें, वल्लाह और अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाह और अल्लाह ताला अहक्कू ज़्यादा हक रखते हैं इन तख्शाहू के उससे डरा जाए। अलम्मा पस जब कज़ा पूरी कर ली ज़ैद उन ज़ैद ने मिनहा उससे यानी अपनी बीवी से हज़रत ज़ैद ने वतनन हाजत यानी उसको अपनी उसको तलाक दे दी। फलम्मा पस जब कज़ा पूरी कर ली ज़ैद उन ज़ैद ने मिनहा उससे वतनन हाजत जब वज ना कहा तो हमने आपका उससे क्या कर दिया निकाह कर दिया। ले कही ताकि ला यकून ना हो अलल मुमिनीन मोमिनों पर हराजुन कोई तंगी भी फ़ी अज़वाजी अदियाहिम अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में इज़ा जब कज़ऊ वो पूरी कर ले मिनहुन्ना उनसे वतनन अपनी हाजत यानी जब उनको तलाक दे दें। तो जब हज़रत ज़ैद ने अपनी बीवी को तलाक दी तो अल्लाह के रसूल का अल्लाह ताला ने फिर क्या करवा दिया उनसे निकाह करवा दिया। यानी इसमें इस सबक में हज़रत ज़ैद की शादी और तलाक और उसके मतलब चांद एक बातें जिक्र हैं। यानी हज़रत खदीजा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त अपना ग़ुलाम हज़रत ज़ैद आपको तोहफे में दिया था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी आदात इस कदर पसंद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके मुँह बोला बेटा बना लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत ज़ैद इब्तदाई इस्लाम लाने वालों में से थे। जब आपकी उम्र 30 साल हुई तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह अपनी फूफी ज़ात बहन हज़रत ज़ैनब से कर दिया, लेकिन बाज़ वजूहात की बना पर ये रिश्ता इज़्तिवाज़ ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका और मियाँ बीवी में तलाक हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत ज़ैनब से शादी की जो हज़रत ज़ैद की बीवी थी।
ये अल्लाह ताला की मंशा थी और उम्मत को बतलाना मकसूद था कि अरब के जाहल माशरे में उम्र वाले रिश्तों के मतलब जो भी गलत रसूमात राज हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। और हज़रत ज़ैद वो वाहिद सहाबी रसूल हैं जिनका नाम लेकर कुरान ने उनका तज़किरा किया, यानी उनका नाम लेने पर भी 30 नेकियाँ मिलती हैं। ये हज़रत ज़ैद का नाम सिर्फ़ कुरान मजीद में बयान हुआ जो सहाबी रसूल हैं। वकान अमरुल्लाह अल्लाह का मामला मफ़ूला होकर रहने वाला। माँ काना नहीं है अलन नबी किसी नबी पर मिन हरजन कोई तंगी भी, माँ काना नहीं है अलन नबी नबी पर मिन हरजन कोई हरज कोई तंगी, फ़ीमा उस चीज़ के बारे में फ़र्ज़ अल्लाह जो फ़र्ज़ कर दे अल्लाह ताला लहू उसके लिए, सुन्नत अल्लाह यही अल्लाह का दस्तूर था, अल्लाह जीना उन लोगों में खलो जो गुजर चुके हैं मिन कबल इससे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर यही तरीका था। नहीं है जायज़ नहीं है हरज किसी नबी पर, नहीं है अलन नबी किसी नबी पर कोई हरज, फ़ीमा उस चीज़ में फ़र्ज़ अल्लाह जो फ़र्ज़ कर दिया अल्लाह ताला उसके लिए, सुन्नत अल्लाह यही अल्लाह का तरीका था, यह अल्लाह की सुन्नत थी, फिल्ला जीना उन लोगों में खलो जो गुजर चुके हैं मिन कबल इससे पहले लोग गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर था। वकान अमरुल्लाह अल्लाह का मामला कदर मकदूरा अंदाज़ा लगाया हुआ तयशुदा। अल्लज़ीना वो लोग युबल्लिगूना जो पहुँचाते हैं रिसालात इल्लाही अल्लाह के पैगाम को, वह यक्षौना और उससे डरते हैं, वला यक्षौना और नहीं वो डरते अहदन किसी एक से इल्लल्लाह मगर अल्लाह से, वकफ़ा बिल्लाही हसीबा और काफ़ी अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला। माँ काना नहीं है मुहम्मदन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अल्लज़ीना युबल्लिगूना वाली आयत है इसका मतलब यह है इससे मुराद अम्बिया है कि जब तबलीग दीन का काम उनके ज़िम्मे लगाया जाता है तो वो उसमें ज़र्रा बर कुताही नहीं करते और ना ही लोगों के डर से तानो तशनी से डरते हैं, बल्कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला से डरते हुए पूरी तवज्जो के साथ अमर बिल मारूफ और नहीं अल मुनकर का फरीज़ अंजाम देते हैं। माँ काना नहीं है मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाहदिन बाप किसी एक के मेरे रिजालिकुम तुम्हारे मर्दों में से, तुम्हारे मर्दों में से किसी के भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप नहीं है, वलाकिन लेकिन रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबीयीन और खातमुन नबीयीन हैं, वकान अल्लाह रहमतुल्लाहि अला बिकुल्लि शैइन अलीमा हर चीज़ का इल्म रखने वाला। इसका मतलब ये है कि कुफार और दुश्मनान दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। कभी वो ये ताना देते कि आप अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया आपने, जबकि हज़रत ज़ैद आपके हकीकी बेटे ना थे, और कभी आपको अबतर या मकतू और नस्ल होने का ताना देते कि औलाद में से हकीकी बेटों से नस्ल आगे चलती है और आपकी कोई नरीना औलाद नहीं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नबूवत आगे बढ़े। तो मस्कुरा आयत ने वाज़े कर दिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं इसलिए पूरी उम्मत आपकी रूहानी औलाद है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि अल्लाह ताला ने उन्हें सिलसिले नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया, आपके बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं और ना कोई नबी आएगा। ये हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है, लेक्चर भी मुकम्मल हो चुका है, तो इसमें अल्फाज के मानी हैं, अरबी इबारात का मफहूम है और ये सवालात के जवाबात हैं, ये आपने अच्छी तरह लिखने हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। मे अल्लाह कीप यू, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस डिजीज़ एंड कीप यू सेफ़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।